हाय गाइस, मैं सुनील एग्जाम अंडर चैनल से आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ का बीजगणित का सूत्र एंड सर्व समीक्षा का सूत्र आइडेंटिटी लेके आए हैं। ये सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर जिसने पढ़ा है, अगर जिसने इसको पढ़ लिया अच्छे से, वो नाइन्थ अलेवेंथ ट्वेल्थ की बेसिक क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लेगा। जो सरलीकरण आता है उस क्वेश्चन को ऑलरेडी कर लेंगे, क्योंकि इसी बेस पे आता है पूरा सरलीकरण का क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या आइडेंटिटी लगती है आपकी। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये होती है आइडेंटिटी। ये मोस्ट आइडेंटिटी है, इतनी मोस्ट आइडेंटिटी है कि इस बेसिस पे एक क्वेश्चन कन्फर्म आता ही आता नाइन्थ में। अब सेकेंड आइडेंटिटी है, वो आइडेंटिटी इतनी इंपॉर्टेंट है कि पूरे नाइन्थ टेंथ अलेवेंथ ट्वेल्थ सभी में पूछी जाती है, सभी में यूज आता है मैथ्स करते दौरान। ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी वेरी मोस्ट है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप इसी आइडेंटिटी को ऐसे भी लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रिस्पेक्ट में भी लिखा जाता है। अब थर्ड आइडेंटिटी आती है आपकी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लाते हैं। हम इसको समझाएंगे कैसे आता है, इसको भी समझा देंगे आप लोगों को कि इसको लेके चलते हैं तो ये कैसे आ जाता है। पहले आप इस आइडेंटिटी को देखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये भी मोस्ट आइडेंटिटी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब इन दोनों में से आपको यह देखना है कि एक्सचेंज क्या हो रहा है। तो एक्सचेंज यही सिर्फ होता है, जो माइनस वाला होता है उसमें माइनस आता है इसके जगह पे, क्या आता है माइनस, और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस आएगा। और इसमें क्या होता है, जो प्लस वाला होता है सारी वैल्यू प्लस में आती है। इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस टाइप से भी इस आइडेंटिटी को लिखी जाती है। अब इसको हम बताते हैं कैसे आता है। ए माइनस बी का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर है इसके पावर, तो ये वैल्यू दो बार है, कितनी बार है दो बार। आप इसको दो बार लिखिएगा, ए माइनस बी एक बार, फिर ए माइनस बी एक बार, ठीक है। फिर क्या कराएंगे, इस पद का इससे इंटू और इसे भी इंटू कराएंगे, फिर इस वाले पद का इससे फिर इससे इंटू कराएंगे, आपस में क्या कराएंगे इंटू एंड गुणा कराएंगे। तो ए का ए के साथ पहले गुणा होगा ए स्क्वायर, फिर ए का बी के साथ गुणा होगा तो माइनस ए बी, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो माइनस ए बी, और माइनस क्या होता है प्लस, एक बी का बी के साथ गुणा कराएंगे तो बी स्क्वायर होता है, क्या होगा बी स्क्वायर। अब आप लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू ए बी होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है इसलिए माइनस में आंसर आएगा, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस रिस्पेक्ट में आप इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा, आप इसको इजीली इंटू कर दीजिएगा, और इस बेसिस पे आइडेंटिटी ये भी निकलती है, ये भी निकलेगी, और जो थर्ड आइडेंटिटी बताएंगे और इसके आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी बताएंगे वो सारी इसी बेस पे निकलेंगी। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब इसकी फोर्थ आइडेंटिटी आती है, फोर्थ आइडेंटिटी भी बहुत मोस्ट है। ये आती है फोर्थ आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी होती है आपकी ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है क्यूब वाली, फाइव वाली, फाइव नंबर की, ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, इसके इज इक्वल टू होता है
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। इस रिस्पेक्ट में ये आइडेंटिटी होती है। अब आता है आपका नेक्स्ट आइडेंटिटी सिक्स नंबर, ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब इसके रिस्पेक्ट में होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री स्क्वायर बी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल क्यूब इजकल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब इसके आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब इजकल टू होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस सॉरी माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। इस प्रकार आपकी आइडेंटिटी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आइडेंटिटी होती है। अब इसके आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी है सेवन नंबर, ए माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये इसकी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए माइनस बी फिर कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस रिस्पेक्ट में होती है आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। किसकी होती है, ए माइनस बी का होल क्यूब। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, ये समझ आ गया होगा। अब इसकी नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है सेवन नंबर, इसके लिए मैं इसको रफ करता हूँ या फिर इसके ऊपर लिखता हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है इसकी अब सिक्स नंबर एंड सेवन नंबर, एट नंबर की आइडेंटिटी, एट नंबर ये होता है ए प्लस बी प्लस सी के पावर टू, थ्री पद में हो, कितने पद में, तीन पद में, ए प्लस बी प्लस सी के पावर टू। इस रिस्पेक्ट में आप इसके आइडेंटिटी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए, एक बार ए बी टू ए बी प्लस टू बी सी टू बी सी प्लस टू सी ए टू सी ए। इस प्रकार इसकी थर्ड आइडेंटिटी सॉरी एट नंबर की आइडेंटिटी होती है, क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी टू सी ए। अब इसकी नाइन नंबर आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी नाइन नंबर आइडेंटिटी, नाइन नंबर इसकी नाइन नंबर की आइडेंटिटी होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इसकी आइडेंटिटी होती है इस रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, इस टाइप से इसका क्रम चलेगा। तो एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स ये आपकी नाइन्थ नंबर आइडेंटिटी है, क्या है, नाइन्थ नंबर। इस बेसिस पे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, अगर ये आइडेंटिटी दे रखी हो तो इससे निकाल लेंगे। एक आइडेंटिटी आती है टेन नंबर्स, वो इसी पे चलती है, इसके इक्वल टू देता है कभी जीरो, क्या देगा, जीरो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, इतना दिया गया वैल्यू है। तो आपको पूछा जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आपको इस आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, कि एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजिकल टू, ये वैल्यू उस पर चली जाएगी तो प्लस हो जाती है वाई जेड। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के जगह पे वैल्यू आप लिख सकते हैं थ्री एक्स वाई जेड। इस टाइप से इस चैप्टर की पूरी सर्व सेमिका समाप्त होती है एंड बीजगणित का सूत्र कंप्लीट होता है। इस बेसिस पे सारे वर्कशीट कंप्लीट हो जाएंगे टू चैप्टर्स के, और ये सारे जितने भी मैंने इस बोर्ड पे लिखा था आप इस सब को अच्छे तरीके से याद करेंगे और इसको समझेंगे और इसको समझ लेंगे अच्छी तरीके से, 2.5 की वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। और इस बेस पे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, 11th में 10th में भी मिलेंगे इस टाइप से क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है। जब अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, इसके बगल में बेल आइकन का बटन रहता है इसको जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।